गुड डे स्टूडेंट्स, माई नेम इज़ अभिषेक मिश्रा एंड आई एम गोइंग टू टीच यू सोशल स्टडीज़ चैप्टर फर्स्ट. द नेम ऑफ द चैप्टर इज इंट्रोड्यूसिंग हिस्ट्री, मतलब हिस्ट्री को इंट्रोड्यूस करना. हिस्ट्री मीन्स इतिहास. ओके, इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट ह्यूमन्स पास्ट और हिस्ट्री, डिफिनीशन ऑफ हिस्ट्री एंड वाई डू वी स्टडी हिस्ट्री. मतलब इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि ह्यूमन कौन थे, उनका पास्ट क्या था, हिस्ट्री की परिभाषा क्या है, हम हिस्ट्री को क्यों पढ़ते हैं, अबाउट द सोर्स ऑफ हिस्ट्री, मतलब हिस्ट्री जो हम पढ़ते हैं उसका सोर्स क्या होता है, एंड हाउ डू वी हेल्प अस टू स्टडी द पास्ट. मतलब अगर हम अपने पास्ट को पढ़ते हैं तो उससे हमें फ़ायदा क्या होता है. हाउ डज जियोग्राफी इन्फ्लुएंस द हिस्ट्री, जो जियोग्राफी है अपनी उसको हिस्ट्री कैसे इन्फ्लुएंट करती है, उसको कैसे उस पर उसका असर होता है. ओके, इन दिस चैप्टर हु एम आई, ओके मैं कौन हूँ, वेयर डिड आई केम फ्रॉम, मैं कहाँ से आया हूँ, आवर पेरेंट्स और आवर ग्रैंड पेरेंट्स हेल्प अस टू फाइंड आंसर्स टू ऑल दीज क्वेश्चन. हमारे पेरेंट्स ने या फिर हमारे ग्रैंड पेरेंट्स ने इन सब का आंसर खोजने की कोशिश की, बट इफ वी वॉन्टेड टू नो हु वर आवर एंसेस्टर्स वर, अगर हम जानना चाहें कि हमारे पूर्वज कौन थे और हाउ दे लिव्ड इन द पास्ट, या वो पहले कैसे रहे थे. वी ऑल हैव टू स्टडी हिस्ट्री, उन सब चीज़ों के लिए हमें हिस्ट्री पढ़नी पड़ती है. सो अगर आपको ये जानना है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, तो आप अपने मम्मी पापा से या फिर अपने दादा से दादी से पूछ सकते हैं कि आप कौन हैं, वो उसको बता देंगे. बट अगर आप ये जानना चाहें कि आपके पूर्वज कौन थे, वो कैसे रहते थे, इन सब के बारे में आपको जानना है, तो उसके लिए आपको हिस्ट्री पढ़नी पड़ती है. ओके, ह्यूमन पास्ट, ह्यूमंस हैव डिफरेंट पास्ट, सारे मनुष्य जो होते हैं उनका डिफरेंट डिफरेंट पास्ट था. ओके, वी यूज द टर्म्स पास्ट इन प्यूरल बिकॉज डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ ह्यूमंस हैड डिफरेंट पास्ट लाइफ. हमने प्यूरल यूज़ किया है क्योंकि जो अलग अलग ग्रुप थे इंसानों के, उनके अलग अलग पास्ट थे. ओके, सम वर किंग्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स, मिलिट्री मैन, वाइल अदर्स वर फार्मर, मर्चेंट्स, क्राफ्ट्स पीपल, आर्टिशियंस, हंटर्स एंड हर्डर्स. मतलब उसमें से कुछ ऐसे रहे होंगे जो राजा रहे होंगे, कुछ ऐसे रहे होंगे जो कि एडमिनिस्ट्रेशन का काम करते रहे होंगे, कुछ सेना में रहे होंगे, कुछ कारपेंटर रहे होंगे, कुछ शिकारी रहे होंगे, कुछ ऐसे रहे होंगे जो कि किसान रहे होंगे. तो सबका अलग अलग पास्ट था. ठीक है, ईच ऑफ देम फॉलोड डिफरेंट प्रैक्टिसेस, लाइफस्टाइल, कस्टम्स एंड रिचुअल. उनमें से सब ने अलग अलग तरीके अपनाए अपनी ज़िंदगी को जीने के, अलग अलग उनके कस्टम्स थे, अलग अलग उनके रिचुअल्स थे. दे ऑल्सो फॉलोड डिफरेंट रिलीजन, यहाँ तक कि उनके अलग अलग जाति थी. रिलीजन मीन्स धर्म, उनके अलग अलग धर्म थे. ओके, वॉट इज हिस्ट्री, तो हम पढ़ते हैं यहाँ पे हिस्ट्री क्या है. हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ इवेंट्स, पीपल्स एंड देयर वे ऑफ लाइफ इन द पास्ट. तो हिस्ट्री एक पढ़ाई है लोगों के बारे में, उनकी जिस तरीके से वो रहते थे उनकी जानकारी रखने के लिए, और कौन कौन से इवेंट्स उस समय में हुए हैं जब जिस टाइम के बारे में हम पढ़ रहे हैं, इन सबको अगर एक जगह पे लिख दिया जाए या फिर कोई आपको बताए तो इनको हिस्ट्री बोलते हैं. ओके, इट टेल्स अस अबाउट पास्ट सेटलमेंट्स, इकोनॉमी एंड सोसाइटी. ये हमें हिस्ट्री जो होती है वो हमें बताती है कि पुराने टाइम पे क्या समझौते हुए हैं, पुराने टाइम पे इकोनॉमी कैसी थी, पुराने टाइम पे समाज कैसा था. इट ऑल्सो टेल्स अस अबाउट द क्लोथ्स पीपल्स वोर, देयर फूड हैबिट्स एंड देयर ऑक्यूपेशंस. ये हमें इस बारे में भी बताता है कि पुराने टाइम के, पुराने ज़माने के जिस जगह की हिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं उस समय के लोग कैसे कपड़े पहनते थे, कैसा खाना खाते थे, कौन सा व्यवसाय करते थे अपनी ज़िंदगी जीवन यापिका करने के लिए. द स्टडी ऑफ पास्ट ऑल्सो हेल्प अस अंडरस्टैंड द बिलीव्स एंड फेथ ऑफ द पीपल इन पास्ट. पुराने ज़माने या फिर पास्ट की जो स्टडी है, जो पढ़ाई है, वो हमें ये समझाने में की कोशिश करती है या मदद करती है पुराने टाइम के लोगों का जो फेथ था, जो बिलीफ था, जो उनकी मान्यताएँ थी, उनको समझने में भी हमें मदद करती है. फ्रॉम द लाइफ ऑफ हंटर गैदरर्स,
वन हु आइदर हंट एनिमल्स और गैदर्ड फूड. मतलब पुराने टाइम पे ऐसे लोग होते थे जो कि शिकार करते थे और खाना इकट्ठा करते थे. ठीक है. द अर्ली ह्यूमंस बिगन्स कल्टिवेटिंग लैंड एंड देन स्लोली मूव टूवर्ड्स अ मॉडर्न लाइफ स्टाइल. इसका मतलब ये है कि पुराने टाइम पे सबसे पहला जो बंदा था वो शिकार करता था और फिर खाना खाता था. उसके बाद इंसानों ने अपने आप को बदलने की कोशिश की और धीरे धीरे बदल करके आज की मॉडर्न लाइफस्टाइल में आए हैं. ओके. द स्टडी ऑफ हिस्ट्री अलाउज अस टू अंडरस्टैंड. हिस्ट्री की जो पढ़ाई है वो हमें ये समझने में मदद करती है हाउ एंड वाई सच चेंजेस हैव टेकन प्लेसेस ओवर अ लॉन्ग ऑफ पीरियड ऑफ टाइम. कि मतलब कैसे और क्यों ये बदलाव हुए एक लंबे समय के दौरान. ठीक है. इट दस टेल्स अस हाउ पीपल ग्रेजुअली मेड डिस्कवरीज एंड इन्वेंशंस विच लेड टू देवर डेवलपमेंट्स. ये हमें बताती है कि उस टाइम के लोगों ने कैसे खोज की और कैसे कैसे इन्वेंशन की वजह से हमारा डेवलपमेंट हुआ है. हिस्ट्री ऑल्सो हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड आवर प्रेजेंट एंड माउल्ड आवर फ्यूचर टू. ठीक है. हिस्ट्री हमें ये समझने में मदद करती है कि हमारा प्रेजेंट जो है वो कैसा ऐसा है और हमारा फ्यूचर कैसा हो सकता है. ओके. आवर पास्ट इज डिवाइडेड इनटू लॉन्ग स्ट्रेचेस ऑफ टाइम ऑफ पीरियड टू मेक इट ईजियर टू स्टडी. ओके. जो हमारा पास्ट है वो बहुत लंबा है, हज़ारों सालों का पुराना पास्ट है. ओके. तो इनको छोटे इनको पीरियड्स में डिवाइड किया गया है सो दैट आप आसानी से इनको पढ़ सकें. वन ऑफ द मोस्ट कॉमन डिवीजन इनटू प्री हिस्ट्री एंड पोर्थो हिस्ट्री एंड हिस्ट्री. सबसे आसान डिवीजन जो है वो है प्री हिस्ट्री, पोर्थो हिस्ट्री एंड हिस्ट्री. ओके. और हम इनके डिफिनेशन सब पढ़ेंगे. प्री हिस्ट्री. प्री हिस्ट्री इज द पीरियड फॉर विच देयर आर नो रिटन रिकॉर्ड्स. वी रिलाय इंटायरली आर्कियोलॉजिकली टू नो अबाउट द लाइफ एंड हिस्ट्री ऑफ द पीपल लिविंग ड्यूरिंग दिस पीरियड. आर्कियोलॉजिस्ट एक्सप्लोर एक्सवेट एंड स्टडी द रिमेन्स टू अंडरस्टैंड द हिस्ट्री ऑफ प्री हिस्टोरिक पीरियड पीपल एंड सिविलाइजेशन. प्री हिस्ट्री. प्री हिस्ट्री जो है वो ऐसी हिस्ट्री है जिसके बारे में हमारे पास कोई भी लिखा हुआ रिकॉर्ड नहीं है. ठीक है. हम केवल आर्कियोलॉजिकल फैक्ट्स पे उन चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं. जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं वो खुदाई करते हैं, चीज़ों को ढूंढते हैं, और जो पुराने बचे हुए चीज़ें हमें खुदाई या फिर कहीं से मिलती हैं उनके हिसाब से हम समझने की कोशिश करते हैं कि उस टाइम के लोग और सिविलाइजेशन सभ्यता कैसी रही होगी. ओके. सॉरी. पोर्थो हिस्ट्री. पोर्थो हिस्ट्री इज द पीरियड फॉर विच वी हैव सम रिटन रिकॉर्ड्स बट दे आर फ्यू और येट टू बी डिसपियर्ड. फॉर एग्जाम्पल द हिस्ट्री ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन फॉल्स अंडर द दिस पीरियड. वी हैव नॉट बीन एबल टू डिसाइपर द स्क्रिप्ट ऑफ दिस पीरियड येट. ओके. पोर्थो हिस्ट्री ऐसी हिस्ट्री है जिसके बारे में हमारे पास डॉक्यूमेंट्स हैं बट बहुत ही कम, या फिर उनको पढ़ा ही नहीं जा सका है. जो अपनी इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो इसी पीरियड के आती है. उनके जो डॉक्यूमेंट्स हमें मिले हैं हम उनको पूरी तरह से पढ़ने में अभी सक्षम नहीं हुए हैं. तो ऐसी हिस्ट्री जिसके डॉक्यूमेंट्स हमारे पास थोड़े बहुत हैं बट अभी या हम उन्हें पढ़ नहीं पाए हैं या बहुत कम है, वो जो हिस्ट्री आती है वो पोर्थो हिस्ट्री में आती है. हिस्ट्री. हिस्ट्री द पीरियड फॉर विच वी हैव एबल टू डिसाइपर द रिटन रिकॉर्ड्स ऑफ पास्ट इवेंट्स. मैनी ऑफ दीज रिकॉर्ड्स आर फाउंड ऑन रॉक्स, क्लेस एंड बार्क्स ऑफ रिच. दे प्रोवाइड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस पीरियड. हिस्ट्री मतलब इतिहास. इतिहास के बारे में ऐसा है कि जिस टाइम के बारे में हमारे पास रिकॉर्ड्स हैं और हम उनको पढ़ने में सक्षम हैं. ठीक है. बहुत सारे ऐसे रिकॉर्ड्स हैं जो कि रॉक्स पे पाए गए हैं, गुफाओं में पाए गए हैं, क्लेस पे पाए गए हैं और समुद्र के किनारे मिले हुए हैं, ऐसी बहुत सारी जो ज़मीनों की खुदाई में मिले हुए हैं, बट इनको हम ऐसा मतलब ईजिली पढ़ सकते हैं. ठीक है. वो हमें उस समय के दौरान को पूरी तरह से समझाने में समर्थ हैं. इस तरह के डॉक्यूमेंट्स को हम हिस्ट्री बोलते हैं. ओके. सोर्स ऑफ हिस्ट्री. हिस्ट्री इज स्टडीड ऑन द बेसिस ऑफ रिकॉर्ड्स ऑफ पास्ट इवेंट. हिस्ट्री जो होती है वो
पढ़ी जाती है पास्ट इवेंट्स जो हो रखे हैं उनके रिकॉर्ड्स पे, मतलब जो पहले घट चुका है उनका जो रिकॉर्ड मिला है उसको हम पढ़ते हैं, तो उसको हिस्ट्री बोलते हैं। दीज रिकॉर्ड्स आर नोन एज सोर्स ऑफ हिस्ट्री, ये जो रिकॉर्ड्स हमें मिलते हैं इन्हें हम इतिहास का सोर्स कहते हैं। ओके, द स्कॉलर्स हु स्टडीज द पास्ट यूजिंग वेरियस सोर्सेज आर कॉल्ड हिस्टोरियन, जो स्टूडेंट्स या फिर जो लोग पढ़ते हैं इनके बारे में वेरियस सोर्सेज के थ्रू उनको हम हिस्टोरियन बोलते हैं। दो दे एक्सप्लोर क्लूज एंड मटेरियल लेफ्ट बिहाइंड बाई द पीपल इन द पास्ट, वो पुराने लोगों के द्वारा छोड़े गए चीज़ों को मटेरियल्स को पढ़ते हैं और उनसे इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश करते हैं। द सोर्स ऑफ अ पीरियड कैन इंक्लूड फॉसिल रिमेन्स, बोन्स, रिमेन्स ऑफ अ सेटलमेंट्स, माउंटेन्स, यूटेंसिल्स एंड पोएट्री, टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स, लिटरेचर एंड रिटन रिकॉर्ड्स, पेंटिंग, इंस्क्रिप्शंस, एडिक्ट्स एंड कॉइंस। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो लोग हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं वो सोर्स किसी सोर्स की तरह से निकालते हैं, और वो जो सोर्स हैं वो बचे हुए फॉसिल रिमेन्स हो सकते हैं, हड्डियाँ हो सकती हैं, किसी समझौते के दस्तावेज हो सकते हैं, पहाड़ों पे लिखे हुए खोदे हुए कोई इंफॉर्मेशन हो सकते हैं, बर्तनों के थ्रू हो सकते हैं, कविताओं में हो सकते हैं, और रिटन डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, पेंटिंग्स में हो सकते हैं, सिक्कों पे हो सकते हैं लिखे हुए। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए उनसे छोटे छोटे क्लू निकाल करके जो हिस्ट्री को समझते हैं उनको हिस्टोरियंस बोलते हैं, और ये हिस्ट्री को हमें समझाने की कोशिश करते हैं। ब्रॉडली वी कैन डिवाइड द सोर्स ऑफ हिस्ट्री इनटू टू ग्रुप्स, ये जो अभी मैंने आपको सब बताए लाइक कि बोन्स, हड्डियाँ हो गई, बर्तन हो गए, सिक्के हो गए, पेंटिंग्स हो गई, गुफाओं पे खुदे हुए हो गए, ये सब सोर्स ऑफ हिस्ट्री हैं, और हम सोर्स ऑफ हिस्ट्री को टू ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, आर्कियोलॉजिकल एंड लिटरेली। ओके, अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, द आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज इंक्लूड्स फॉसिल रिमेन्स, आर्टिफैक्ट्स, टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स, एडिक्ट्स एंड इंस्क्रिप्शंस, मोनूमेंट्स, कॉइन्स एंड सो ऑन। द स्कॉलर्स हु एक्सप्लोर दीज सोर्स अ पास आर कॉल्ड आर्कियोलॉजिस्ट, मतलब आर्कियोलॉजिस्ट ऐसे सोर्सेज जो आर्कियोलॉजिकल सोर्स हैं वो हो गए पुराने बचे हुए अवशेष और मोनूमेंट्स हो गए, कॉइन्स हो गए, ठीक है, इन सब चीज़ों से जो भी पढ़ने की कोशिश करते हैं उनको आर्कियोलॉजिस्ट बोलते हैं। फॉसिल रिमेन्स, फॉसिल आर रिमेन्स ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमन बॉडी पार्ट्स। फॉसिल रिमेन्स हम यहाँ पे हमने देखा अभी, तो उसका मतलब ये है कि जो पौधों के थ्रू, पशुओं के और ह्यूमन बॉडी के बचे हुए पार्ट्स हैं फ्रॉम द पास्ट प्रिजर्व इन रॉक्स, और वो रॉक्स में अभी भी बचे रह गए थे, इनको हम फॉसिल रिमेन्स बोलते हैं। दिस हैव बीन बरीड फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स, बहुत मिलियंस ऑफ ईयर्स के लिए, कई सालों के लिए, बहुत सालों के लिए इन्हीं चट्टानों के बीच में दबे रह गए थे, और इनको जब हम खोजते हैं तो इनसे हमें उस टाइम की, उस पुराने टाइम के फैक्ट्स मिलते हैं। द इम्प्रिंट्स ऑफ हार्ड बॉडी पार्ट्स सच फॉर एग्जाम्पल सांची गुप्ता इन मध्य प्रदेश इज एन इम्पॉर्टेंट बुद्धिस्ट मोनूमेंट। ओके, इम्प्रिंट्स ऑफ हार्ड बॉडी पार्ट्स, मतलब जो बॉडी पार्ट्स हैं उनका चट्टानों पे प्रिंट रह जाना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सांची सूक्त इन मध्य प्रदेश, सांची सूक्त मध्य प्रदेश में है, ये एक इम्पॉर्टेंट बुद्धिस्ट मोन्यूमेंट है, बुद्ध लोगों के लिए एक मोन्यूमेंट माना जाता है। ओके, द सूक्त डिजाइन एंड मटेरियल टेल्स अस दैट इट वॉज ओरिजिनली बिल्ट ऑफ ब्रिक्स, सूक्त का डिजाइन बताता है कि ये पहले ईंटों से बनाया गया था ड्यूरिंग अशोका टाइम, मतलब अशोक के बारे में आप सबने नाम सुन रखा होगा, अशोक के टाइम पे ये ईंटों से बनाया गया था। इट वॉज एक्सपेंडेड एंड रिबिल्ड विद स्टोन्स ड्यूरिंग द सुंगा पीरियड, सुंग के पीरियड में इसको वापस से पत्थरों से बनाया गया। एंड इंस्क्रिप्शन ऑफ द साउथर्न गेट ऑफ द सुप्त इन्फॉर्म्स अस दैट द गेट वॉज एडेड बाई किंग सताकर्णी ऑफ सत्यवहन डेंसिटी। अब बाद में हमें पता चला कि जो इसका गेट है वो किंग सताकर्णी से बनाया गया था, सत्यवहन डेंसिटी का। ओके, इसका मतलब है एक ये मध्य प्रदेश का जो सांची सूक्त है ये एक मॉन्यूमेंट है। इसकी स्टडी की जब इन लोगों ने तो इन्होंने पाया कि शुरू शुरू में जब ये बनाया गया था तो ये ईंटों से बनाया गया था, बाद में अशोक के बाद में इसको
वापस से बनाया गया सुंगा की पीरियड में पत्थरों से, और इसका जो गेट है वो किंग सताकर्णी ने इंस्टॉल किया था, लगाया था वहाँ पे। तो इससे हमें तीन एजेस की इंफॉर्मेशन मिलती है। ओके, इसी तरह से जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट मोनूमेंट्स को या फिर डिफरेंट सोर्सेज के थ्रू उस एज के पता करते हैं कि लाइक इससे हमें तीन चीज़ें पता चली कि ईंटों का इस्तेमाल होता था, फिर बाद में अशोक के टाइम पे पत्थरों से बनाए जाते थे घर, फिर उसके बाद गेट लगाने शुरू हुए किंग सताकर्णी की। तो ये छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन वो लोग निकालते हैं और ये हिस्ट्री पढ़ने में हमें एबल करते हैं। इसके आगे है द नॉर्थन गेट एंड द प्लेन्स ऑल्सो डिस्पिक द स्टोरीज फ्रॉम द जातक्स, मतलब इनके स्टोरीज जो हैं वो नॉर्थन गेट के बारे में भी बताती हैं। ओके, आर्टिफैक्ट्स इंक्लूड्स ह्यूमन मेड ऑब्जेक्ट्स सच एज सील्स, टॉयस, टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स, ऑर्नामेंट्स एंड पोएट्री हैव बीन फाउंड एट वेरियस आर्कियोलॉजिकल साइट्स। दे टेल्स अस अबाउट द काइंड ऑफ पीपल लिव्ड एंड देयर ऑक्यूपेशन। द आर्टिफैक्ट्स ऑल्सो हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द सोशल सेटअप फॉर दैट टाइम। आर्टिफैक्ट्स की हम बात करें तो आर्टिफैक्ट्स ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि ह्यूमन के द्वारा बनाई, इंसानों के द्वारा बनाई जाती हैं। ये कुछ भी हो सकते हैं, सील्स हो सकते हैं, खिलौने हो सकते हैं, कोई औजार हो सकता है, ठीक है, कोई गहना हो सकता है, उस टाइम की पोएट्री हो सकती है। ये सब चीज़ें आर्कियोलॉजिकल साइट्स पे पाई, जहाँ पुरानी जगह हैं, जहाँ पे खुदाई चालू की गई है, वहाँ सब जगह पे पाई गई हैं, और ये हमें उस समय के लोगों के बारे में, उनके व्यवसाय के बारे में बताते हैं, और हमें उस टाइम की सोशल व्यवस्था के बारे में, सामाजिक व्यवस्था के बारे में बताते हैं। इंस्क्रिप्शन, इंस्क्रिप्शन आर द रिटन रिकॉर्ड्स इंग्रेव्ड ऑन स्टोन्स, पिलर्स, क्ले और कॉपर टेबल्स, केव्स एंड वॉल्स ऑफ द टेम्पल्स एंड मोनूमेंट्स। दे आर रिलायबल सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द हिस्ट्री ऑफ एनी पीरियड। दे प्रोवाइड अस नेम्स ऑफ द किंग्स एंड देयर एडमिनिस्ट्रेशन। इंस्क्रिप्शन जो होते हैं वो रिटन रिकॉर्ड होते हैं, जो कि किसी पत्थर पे, किसी खम्भे पे, किसी क्ले पे और टेबल्स पे, गुफाओं पे और मंदिरों पे, या फिर जो जैसा सांची मोनूमेंट था उन मोनूमेंट्स पे खोदे गए हुए हैं। ये एक रिलायबल सोर्स होते हैं क्योंकि ये उस टाइम के लोगों ने ही वहाँ पे डाला हुआ है, और ये हमें बताते हैं उस टाइम का किंग कौन था, उस टाइम के राजा कौन थे, उस टाइम का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा चलता था। फॉर एग्ज़ाम्पल, अशोकन इंस्क्रिप्शन एंड द अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन, ऑल्सो नोन एज प्रयाग प्रशस्ति, गिव अस एन इंसाइट ऑन द रीजन ऑफ रीजन ऑफ अशोका एंड समुद्रगुप्ता। मतलब यहाँ पे बोला गया है कि जो अशोकन इंस्क्रिप्शन है और या इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन है, ये जो कि प्रयाग प्रशस्ति के नाम से भी जाना जाता है, हमें अशोक और समुद्रगुप्त के बारे में बताता है। ओके, नाउ वी कम टू द कॉइंस। द स्टडी ऑफ कॉइंस इज नोन एज न्यूमेस्टिक्स, सिंस दे आर मेड ऑफ मेटल्स दे सर्वाइव फॉर मेनी ईयर्स। कॉइन्स की जो स्टडी है उसको न्यूमेस्टिक्स बोला जाता है, और ये बहुत मेटल के बने हुए हैं इसलिए बहुत सालों से ये चले आ रहे हैं, ठीक है। दे आर इशूड बाई किंग्स एंड मर्चेंट्स, ये राजाओं के थ्रू या फिर व्यापारियों के थ्रू दिए जाते थे। मोस्ट कॉइन्स आर स्टैंड विद डेट्स एंड इमेजेस, देयर फोर दे ऑल्सो प्रोवाइड्स वैल्यूएबल पर्सनल इंफॉर्मेशन अबाउट द रूलर एंड द पीपल हु इशूड देम। जो मैक्सिमम जो सिक्के होते हैं उन पे या तो दिन या फिर उस समय की, उस टाइम की इमेजेस, जैसे आज आज का सिक्का देखते हैं तो उस पर कुछ ना कुछ इमेज बनी रहती है, डेट्स लिखे रहते हैं, तो ये आज के समय के दौरान की चीज़ें बताते हैं। बट उस टाइम के जो कॉइन्स होते हैं उन पे भी कुछ ना कुछ डेट्स रहती थी, कुछ ना कुछ इमेजेस रहती थी, तो वो उस टाइम की इंफॉर्मेशन बताते थे। ओके, उस समय के जो राजा थे या फिर जिन लोगों ने उन्हें उन सिक्कों को चलाया था उनके बारे में। फॉर एग्जाम्पल, समुद्रगुप्ता's coin tell us that he was a good veena player। मतलब समुद्रगुप्त ने जो coins issue किए थे उस समय पता चलता है कि वो बहुत ही अच्छा वीना प्लेयर था। वीना एक संगीत बजाने वाला यंत्र होता है, उसको वो बहुत अच्छे से बजाता था। लिटरली सोर्सेज, द रिटन रिकॉर्ड ऑफ हिस्ट्री आर नोन एज लिटरेरी सोर्सेज। दीज रिकॉर्ड्स आर रिटन ऑन एनिमल स्किन, क्ले टेबल्स, रॉक्स, पिलर्स, वॉल्स एंड वुड बिफोर द इन्वेंशन ऑफ पेपर्स।
ये ऐसे सोर्सेज होते हैं जो कि लिखे हुए हैं, ये एनिमल्स की स्किन पे, जानवरों के त्वचा पे, क्ले मिट्टी की टेबल्स पे, रॉक्स मतलब खम्भों पे, रॉक्स मतलब चट्टानों पे, खम्भों पे, दीवालों पे या फिर लकड़ियों पे लिखे हुए हैं, क्योंकि उस टाइम तक पेपर होता नहीं था। ओके, मैन्यूस्क्रिप्ट्स, द अर्ली लिटरेरी रिकॉर्ड्स वर हैंड रिटन, दे आर कॉल्ड मैन्यूस्क्रिप्ट्स। मतलब जो पहले के रिकॉर्ड्स जो कि हाथ से लिखे जाते थे उन्हें मैन्यूस्क्रिप्ट्स बोलते थे। मैन्यूस्क्रिप्ट्स वर रिटन ऑन पाम लीव्स, द बार्क ऑफ ब्रिज ट्रीज, मतलब पाम लीव्स के लिखे जाते थे, जो वृक्ष की छालें निकल के आती थी उन पे लिखे जाते थे, एंड लेटर ऑन पेपर, और बाद में पेपर्स पे भी लिखे जाने लगे। ओवर द ईयर्स मेनी ऑफ दीज मैन्यूस्क्रिप्ट्स गॉट डिस्कार्ड, एज यू नो कि अगर पत्तों पे लिखे जा रहे हैं, पेड़ की छालों पे लिखे जा रहे हैं, तो ये धीरे धीरे समय के साथ में ये खराब होते गए। सम ऑफ देम आर स्टिल प्रिजर्व इन टेम्पल्स, इनमें से बहुत सारे ऐसे हैं जो कि अभी भी मंदिरों में, मोनेस्ट्रीज में एंड आर्चीव्स में अभी भी संग्रह करके रखे हुए हैं। दे थ्रो लाइट ऑन द सोशल एंड इकोनॉमिकल लाइफ, रिलीजियस बिलीफ्स, प्रैक्टिस एंड कल्चर्स ऑफ पर्टिकुलर पीरियड। ये उस समय के इकोनॉमिकल, सोशल, रिलीजियस बिलीफ्स पे, सब पे प्रकाश डालते हैं। ओके, उस समय की, उस सामाजिक जो व्यवस्था थी उन सबको दिखाने की कोशिश करते हैं। स्क्रिप्ट्स एंड लैंग्वेज, मेनी एंशंट सोसाइटीज डेवलप देयर स्क्रिप्ट्स, बहुत सारी पुरानी सभ्यताएं जो ऐसी थी जिन्होंने खुद की अपनी भाषाएं निकाल रखी थी। दे ग्रेजुअली टुक द फॉर्म ऑफ लैंग्वेज, और धीरे धीरे उन्होंने स्क्रिप्ट्स मतलब उन्होंने उस समय की कोई व्यवस्था निकाल रखी थी जिन्होंने धीरे धीरे अपनी भाषा, उस भाषा का रूप ले लिया। द लैंग्वेज ऑफ एंशियंट इंडियन लिटरेचर डेवलप्ड डिपेंडेंट अपॉन द रीजन वेयर इट वॉज रिटन, जो अपनी इंडियन, पुरानी इंडियन सभ्यता है उनकी जो लिटरेचर थी वो डिपेंड करती थी कि कौन से रीजन में है वो, कौन से रीजन से लिखी गई है वो। सम ऑफ द लैंग्वेज इंक्लूडेड प्राकृत पाली, संस्कृत और तमिल। फॉर एग्जाम्पल, द महाभारत एंड द रामायण वर रिटन इन संस्कृत बिकॉज दे वर द ऑथर्ड इन द नॉर्थन पार्ट ऑफ द इंडिया वेयर संस्कृत वॉज द मेन लैंग्वेज। तो हमारी इंडिया की जो पुरानी लैंग्वेज थी उसमें प्रकृत पाली, संस्कृत और तमिल थी, और जैसे कि एग्जाम्पल देते हैं, महाभारत और रामायण जो है वो संस्कृत में लिखी हुई है क्योंकि वो नॉर्थ पार्ट में लिखी गई थी और नॉर्थ पार्ट में संस्कृत वहाँ की मेन लैंग्वेज हुआ करती थी। ऑन द अदर हैंड, शिला पट्टिकरम एंड मणि मेकालकी वर रिटन इन तमिल स्पीकिंग एरियाज ऑफ साउथ इंडिया, क्योंकि इन, ये जो दोनों लिखे गए ये साउथ इंडिया में लिखे गए थे तो ये यहाँ की लैंग्वेज हुआ करती थी। तो इस तरह से जो भी एरिया में जो डॉक्यूमेंट्स लिखे जाते थे तो वो वहाँ की लैंग्वेज के हिसाब से लिखे जाते थे। ये एक एग्जाम्पल है मैन्यूस्क्रिप्ट्स का, ये किसी पेड़ की छाल पे लिखा हुआ है शायद। एंशियंट लिटरेचर, मोस्ट एंशियंट लिटरेचर वर मेमोराइज, दे वर पास ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट ओरली, लेटर दीज वर रिटन। एंशियंट लिटरेचर्स जो होते हैं वो मोस्टली याद किए जाते थे और ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को पास किए जाते थे। जैसे किसी व्यक्ति ने याद किया पूरा लिटरेचर, फिर उसने अपने बेटे को पास किया, फिर उसने अपने बेटे को पास किया, बाद में ये लिखे जाने शुरू हुए। लेटर दीज वर रिटन डाउन ऑन पाम लीव्स, बार्क्स ऑफ ब्रिज ट्रीज और एनिमल स्किन्स स्किन्स। बाद में ओरली पास करने के बाद ये पत्तों पे, वृक्षों की छालों पे, जमीन, जानवरों की त्वचा पे लिखना शुरू हुए। फॉर एग्जाम्पल, द वेदास एंड पुराण्स कंटेन्स डिटेल्स ऑफ रिचुअल्स, प्रेयर्स एंड रिलीजियस प्रैक्टिस ऑफ द एंशियंट पास्ट, दे आर क्लासिफाइड एज स्केर्ड एंड रिलीजियस लिटरली सोर्सेस। एग्जाम्पल में बोला गया है जो वेद और पुराण है अपने, वो डिटेल्स देते हैं अपनी सामाजिक, जो प्रेयर्स होती हैं, जो प्रार्थनाएं होती हैं, जो हमारी धार्मिक एक चीज़ें होती हैं, उन सब चीज़ों के बारे में ये सब लिखे जाते हैं, और दे आर क्लासिफाइड एज सेक्रेट एंड रिलीजियस लिटरेरी सोर्सेज। ये इनको धार्मिक सोर्सेज के रूप में, धार्मिक चीज़ों के बारे में धार्मिक तरह से क्लासिफाइड किया गया है और इन्हें पढ़ा जा सकता है। मैंने हिस्टोरिकल अकाउंट्स एंड बायोग्राफिक्स वर रिटन बाई पोएट्स एंड फॉरेन ट्रेवलर क्लासिफाइड एज नॉन रिलीजियस और सेकुलर लिटरेचर। बहुत सारे हिस्टोरिक ऐसे चीज़ें भी हैं, बायोग्राफीज हैं,
जिन्हें फॉरेन ट्रेवलर्स, जैसे कोई बाहर से आता था और यहाँ पे कोई अच्छी चीज़ देखता था तो पोएम के बारे में पोएम की तरह से लिखता था। इन्हें नॉन रिलीजियस मतलब आधार्मिक और सेकुलर लिटरेचर बोला गया है, ठीक है। दीज वर रिटन टू द रिकॉर्ड इवेंट लॉज एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रेगुलेशंस ऑफ द कंटेम्प्रेरी सोसाइटी। ये जो लिखे जाते थे ये वहाँ की जो इवेंट्स होते थे, जो वहाँ की कानून व्यवस्था होती थी, जो एडमिनिस्ट्रेटिव रेगुलेशंस होते थे, उन सबको दिखाने के लिए लिखे जाते थे। फॉर एग्जाम्पल कौटिल अर्थशास्त्र इंडिका रिटन बाई द ग्रीक एम्बेसडर मेगास्थीनेस इन द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। जो कौटिल्य की अर्थशास्त्र है और इंडिका है वो ग्रीक एम्बेसडर द्वारा लिखी गई है चंद्रगुप्त साम्राज्य जो थे उनके कोर्ट में। एंड द राइटिंग ऑफ चाइनीज ट्रेवलर्स फा हिरेन एंड हुएन टीसेंग। इसको भी एग्जांपल दिया गया है कि चाइनीज ट्रेवलर जो था फा हिंग एंड हुएन टीसेंग जो थे उन्होंने भी जो पोएम्स या फिर जो भी लिखे थे वो भी ट्रेवल करके लिखे थे। दे डिस्क्राइब द पॉलिटिकल सोशल एंड इकोनॉमिकल लाइफ ऑफ सर्टेन पीरियड। ये जो पोएम्स लिखी जाती थी ये उस टाइम की पॉलिटिकल सोशल एंड इकोनॉमिकल लाइफ को दिखाती हैं। टाइम फ्रेम ऑफ हिस्ट्री BCE एंड CE। हिस्टोरिकल इवेंट्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंगली टू द टाइम इन द फॉर्म ऑफ BCE एंड CE। द एब्रीविएशन BCE स्टैंडर्ड फॉर बिफोर कॉमन एरा। जो हिस्टोरिकल इवेंट्स होते हैं उनको क्लासिफाइड किया गया है अकॉर्डिंग टाइम के हिसाब से दो तरीकों में BCE एंड CE। BCE जो है उसका फुल फॉर्म है बिफोर कॉमन एरा, मतलब नॉर्मल चीज़ों होने के पहले। इट रिफर्स टू द पीरियड ऑफ हिस्ट्री बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। ये जीसस क्राइस्ट की हिस्ट्री बर्थ के पहले की हिस्ट्री को बताता है। इट वॉज अर्लियर नोन एज BC और बिफोर क्राइस्ट। ये पहले BC से जाना जाता था या फिर बिफोर क्राइस्ट, जीसस क्राइस्ट के पहले की जो थी। CE स्टैंडर्ड्स फॉर कॉमन एरा। इट रिफर्स टू द पीरियड इन हिस्ट्री आफ्टर द बर्थ ऑफ जीसस। CE जो होता है वो कॉमन एरा को दर्शाता है और ये जीसस क्राइस्ट के जन्म के बाद की हिस्ट्री को दिखाता है। अर्लियर नोन एज AD, पहले AD के नाम से जाना जाता था और अन्नो डोमिनी भी कहा जाता था इसे। हिस्टोरियन अरेंज द इवेंट्स ऑफ हिस्ट्री इन अ सीक्वेंस अकॉर्डिंग टू द टाइम व्हेन दे टुक प्लेस। हिस्टोरियंस जो होते हैं, जो स्टडीज पढ़ते हैं, उन्होंने हिस्ट्री के सारे सीक्वेंसेस को सारे इवेंट्स को एक सीक्वेंस में डाला जब जब हुए थे उसके अकॉर्डिंग। दिस इज कॉल्ड क्रोनोलॉजी। इसको क्रोनोलॉजी बोलते हैं, सारे इवेंट्स को एक सीरीज में ले आना। दिस हिस्टोरिकल इवेंट आर ग्राफिकली रिप्रेजेंटेड इन अ टाइमलाइन। ये सारे इवेंट्स को एक ग्राफ पे रिप्रेजेंट किया गया, इसको टाइमलाइन बोलते हैं, इन अ टाइमलाइन। ग्राफिकल फ्रेमवर्क। द हिस्ट्री ऑफ इंडिया हैज बीन इन ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द इट्स ज्योग्राफिकल और फिजिकल फीचर्स। मतलब जो इंडिया की हिस्ट्री है वो बहुत ही इन्फ्लुएंस्ड है अपनी ज्योग्राफिकल एंड फिजिकल फीचर्स, जो हमारा फिजिकल फीचर्स रहते हैं। मतलब हम जैसे हमारे नॉर्थ पार्ट्स में खेत बहुत ज़्यादा हैं, राजस्थान साइड में सैंड बहुत ज़्यादा है, इन सब फीचर्स से बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहा है। द स्टडी ऑफ हिस्ट्री इज क्लोजली रिलेटेड विद द स्टडी ऑफ ज्योग्राफिकल फीचर्स। सॉइल टाइप, रेनफॉल्स, क्लाइमेट, वेजिटेशन एंड इन्वायरमेंट ग्रेटली इन्फ्लुएंस द एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन कल्चर एंड देयर वे ऑफ लाइफ। जो हिस्ट्री होती है वो ज्योग्राफिकल फीचर्स के थ्रू, जैसा कि मैंने आपको बोला, जैसी वहाँ की ज़मीन रहेगी, जैसा वहाँ पे नदियाँ रहेंगी, वहाँ का मौसम कैसा है, वहाँ पे किस तरह की फसलें होती हैं, तो ये सब जो चीज़ें होती हैं वहाँ के एवोल्यूशन को, वहाँ के ह्यूमंस के डेवलपमेंट को इफ़ेक्ट करती थी और किस तरह का कल्चर वो जीते थे उसको भी बताती थी। द हिमालयाज इन द नॉर्थ प्रोटेक्टेड द कंट्री फॉर इन्वेडर्स। जो हमारे नॉर्थ पार्ट में हिमालय पर्वत है वो हम बाहर के घुसपैठियों को अंदर नहीं आता देता था। वाइल द लॉन्ग कोस्ट लाइन ऑफ द पेनिनसुलर इंडिया फैसिलिटेटेड फॉरेन ट्रेड। अपने जो लॉन्ग कोस्ट है, हमारे पास कोस्टल एरियाज हैं, उन्होंने बाहर से ट्रेड्स को आने दिया, बाहर से समुद्र के लोगों को आने दिया। द फर्टाइल प्लेन्स हेल्प मैनी किंगडम्स टू फ्लोरिज इन द नॉर्थन एंड ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ द इंडिया। हमारे पास बहुत सी
अच्छी ज़मीनें हैं, जिन्होंने बहुत सारे किंगडम्स को खाने देने की कोशिश खाना प्रदान किया उस टाइम पे. मोस्ट एंशियंट टाउन ऑल्सो फ्लोरिस्ट ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर, जो बहुत ही पुराने कस्बे थे वो भी नदियों के किनारे होते थे. फॉर एग्ज़ाम्पल पाटलिपुत्र ऑन द बैंक्स ऑफ गंगा, पाटलिपुत्र जो है वो नदी के किनारे, गंगा नदी के किनारे है, एंड सन्स रिवर्स के किनारे. ग्लोबल कनेक्शन. रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. ओके, ये हम बाद में करेंगे, रिकैप करते हैं. हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ इवेंट्स, पीपल्स एंड देयर वेज ऑफ लाइफ इन द कंट्री. मतलब इतिहास जो है वो पुराने इवेंट्स की, लोगों की और उनके जीवन जीने की तरीके को पढ़ने के लिए है. हिस्ट्री इज स्टडीड थ्रू वेरियस सोर्सेज. हिस्ट्री कई तरीकों से पढ़ी जा सकती है. देयर आर टू काइंड ऑफ हिस्टोरिकल सोर्सेज. यहाँ पे दो तरीके के सोर्स हैं. आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज इंक्लूड फॉसिल रिमेन्स, टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स, मोनोमेंट, कॉइन्स, पोएट्री एंड रिटन डॉक्यूमेंट्स लाइक इंस्क्रिप्शन. जो आर्कियोलॉजिकल सोर्स हैं उनमें फॉसिल रिमेन्स हो सकते हैं, टूल्स हो सकते हैं, इम्प्लीमेंट्स हो सकते हैं, मोनोमेंट्स हो सकते हैं, सिक्के हो सकते हैं, कविताएँ हो सकती हैं, या फिर रिटन रिकॉर्ड्स हो सकते हैं, लिखे हुए रिकॉर्ड्स. लिटरेरी सोर्सेज आर द रिटन रिकॉर्ड्स ऑफ पीपल इन द पास्ट. लिटरेरी सोर्सेज वो हो सकते हैं जो पास पुराने लोगों ने खुद से लिख के दिए हैं. टाइम इन हिस्ट्री इज स्टडीड इन BCE एंड CE. हिस्ट्री में जो टाइम है उसको BCE से पढ़ा जाता है, दैट इज़ बिफोर जीजस क्राइस्ट, एंड CE दैट इज आफ्टर जीजस क्राइस्ट. ओके, एंड द फुल फॉर्म ऑफ BCE इज बिफोर कॉमन एरा, एंड CE इज आफ्टर कॉमन एरा. ज्योग्राफिकल डिवीजन इन्फ्लुएंसेस हिस्ट्री एंड शेप्स ऑफ द कल्चर ऑफ द पर्टिकुलर रीजन. जो भी वहाँ का ज्योग्राफिकल रहता है, मतलब जैसे वहाँ पे लैंड क्या है, वहाँ पे सॉइल क्या है, वो डिवीजन जो रहता है वो वहाँ की हिस्ट्री को इन्फ्लुएंस करता है. ओके, वी कम टू द एक्सरसाइज. यू नीड टू राइट डाउन दिस एक्सरसाइज इन योर कॉपी एज अ होमवर्क. एवरीथिंग इज रिटन हेयर, लाइक चूज द करेक्ट आंसर टू फिल इन द ब्लैंक्स. हिस्टोरिकन डिवाइडेड द पास्ट इन टू थ्री पीरियड्स, एज यू नो, प्री हिस्ट्री, पोर्थो हिस्ट्री एंड हिस्ट्री. ओके, प्री हिस्ट्री रिफर्स टू, प्री हिस्ट्री किस क्या बोलती है, द पीरियड बिफोर द इन्वेंशन ऑफ राइटिंग. प्री हिस्ट्री के जो जहाँ पे लिखने का कुछ भी नहीं था उस एरिया को हम प्री हिस्ट्री बोलते हैं. तो करेक्ट आंसर इज डी. ओके, डैश इज द आर्कियोलॉजिकल सोर्स, एंड हेयर नोटबुक, पजल्स एंड दीज आर नॉट. इंस्क्रिप्शन इज एन आर्कियोलॉजिकल सोर्स. इंस्क्रिप्शन जो है वो आर्कियोलॉजिकल सोर्स होता है. मैनुस्क्रिप्ट्स आर हैंड रिटन रिकॉर्ड्स ऑफ द पास्ट. ए इज द करेक्ट आंसर. मैनुस्क्रिप्ट जो होते हैं वो हैंड रिटन रिकॉर्ड होते हैं पास्ट के. ओके, द साउथर्न गेट ऑफ अ सांची गुप्त वॉज एडेड बाई अशोका. ओके, अशोका ने साउथ साइड का जो गेट होता है सांची गुप्त का, उसको ऐड किया था. तो ये आप सभी अपनी कॉपीज में लिखेंगे एज अ होमवर्क और याद करेंगे. स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स, इफ फॉल्स करेक्ट द स्टेटमेंट्स. तो हम यहाँ पे आपको ये करना है कि बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट गलत है या सही है. ओके, द इंसेप्शन ऑफ द मौर्य किंग अशोका आर द अर्लीस्ट इंसेप्शन इन द इंडिया. ट्रू. लिटरेरी सोर्सेज आर ऑफ टू टाइप्स, रिलीजियस एंड सेकुलर. फॉल्स. BCE स्टैंड फॉर बिफोर क्राइस्ट एरा. फॉल्स, दैट इज बिफोर कॉमन एरा. अर्थशास्त्र वॉज रिटन बाई कौटिल्य. ट्रू. द वेदास एंड द पुराण्स आर क्लासिफाइड एज स्केयर्ड एंड रिलीजियस लिटरेरी सोर्सेज. ट्रू. आप ये अपनी कॉपी में लिखेंगे और इसको भी याद करेंगे. कम टू क्वेश्चन नंबर सी. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 10 to 40 वर्ड्स, दैट वी विल डू लेटर. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन 50 to 70 वर्ड्स. ओके, कम हेयर, वी हैव ऑल द क्वेश्चंस आंसर हेयर, वेयर जो यहाँ पे लिखा हुआ है ऊपर, उन क्वेश्चंस के आंसर मैंने आपको नीचे दे रखे हैं जो इंपॉर्टेंट हैं. आप इनको अपनी कॉपी में लिखेंगे एज अ होमवर्क और याद करेंगे. दिस इज गोइंग टू कम इन एग्जाम्स. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 10 to 20 वर्ड्स. व्हाट इज हिस्ट्री. हिस्ट्री क्या है. हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ इवेंट्स, पीपल्स एंड देयर वेज ऑफ लाइफ इन द पास्ट. हिस्ट्री जो है वो पढ़ाई है पुराने इवेंट्स की, लोगों की और उनके जीवन जीने की कला को. डिफाइन आर्कियोलॉजी. द साइंस ऑफ एक्सप्लोरिंग एंड एक्सक्वेटिंग ओल्ड रिमेन्स इज कॉल्ड आर्कियोलॉजी. पुराने समय के पढ़ने की और उनको एक्सप्लोर करने की जो कला है उसको आर्कियोलॉजी बोलते हैं.
वॉट इज मैन्यूस्क्रिप्ट? द अर्ली लिटरेरी रिकॉर्ड्स वर हैंड रिटन आर कॉल्ड मैन्यूस्क्रिप्ट. जो पहले के, बहुत पहले के हैंड रिटन रिकॉर्ड्स हैं उनको हम मैन्यूस्क्रिप्ट बोलते हैं. ये 10-20 वर्ड्स वाले क्वेश्चन हैं, इनके आंसर्स हैं. आप इसको अपनी कॉपी में लिखेंगे एज अ होमवर्क और याद करेंगे. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन टू 50-70 वर्ड्स. हाउ डू कॉइन हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड हिस्ट्री? सिक्के हमें हिस्ट्री कैसे समझने में मदद करते हैं. कॉइन हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड हिस्ट्री बिकॉज देयर आर स्टैम्प्स विद डेट्स एंड इमेजेस. कॉइन, सिक्के हमें मदद करते हैं हिस्ट्री को समझने में क्योंकि उन पे डेट्स लिखी रहती हैं और इमेजेस होती हैं. देयरफॉर दे ऑल्सो प्रोवाइड्स वैल्यूएबल पर्सनल इन्फॉर्मेशन अबाउट द रूलर एंड द पीपल हु यूजेस देम. इसलिए वो हमें अपनी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं जो उस समय का शासक था या राजा था या फिर उन सिक्कों को जिसने इशू किया था. ओके, राइट इट डाउन एंड रिमेंबर इट. वॉट आर रिलीजियस लिटरेरी सोर्सेज? रिलीजियस लिटरेरी सोर्सेज आर रिटन ड्रॉन ऑन पाम लीव्स, ऑन लीव्स, बार्क ऑफ द ब्रिज, ट्रीज एंड एनिमल स्किन्स. जो पुराने रिलीजियस लिटरेरी सोर्सेज थी वो लिखे जाते थे वृक्ष के छालों पे, मतलब जो पेड़ होते हैं उनकी जो छाल निकाल के रखते थे, पाम लीव्स पे लिखते थे, जानवरों की त्वचा पे लिखते थे. फॉर एग्जाम्पल द वेदास एंड पुराण्स कंटेन्स डिटेल्स ऑफ रिचुअल्स, प्रेयर्स एंड रिलीजियस पर्टिकुलर्स ऑफ द एंशियंट पास्ट. तो जो वेद हैं और जो पुराण हैं वो भी हमारे पुराने समय के प्रार्थनाओं को, उन समय के रिचुअल्स को, उस समय के जो रिलीजियस प्रैक्टिस होती थी उन सबको लिख, उन सबको इन्हीं रिचुअल्स, एनिमल स्किन्स पे या फिर पेड़ के छालों पे लिखे जाते थे. तो इन सबको रिलीजियस लिटरेरी सोर्सेज बोलते हैं. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 80-100 वर्ड्स. व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ज्योग्राफिकल फीचर ऑफ इंडिया इन शेपिंग इट्स हिस्ट्री? इंडिया के ज्योग्राफिकल फीचर्स का क्या वैल्यू है, क्या इंपॉर्टेंस है इंडिया की हिस्ट्री बनाने में? ओके, सॉइल टाइप, रेनफॉल, क्लाइमेट्स, वेजिटेशन एंड एनवायरमेंट्स आर ज्योग्राफिकल फीचर्स ऑफ इंडिया. जो मिट्टी का प्रकार है, जो रेनफॉल्स रहते हैं, वहाँ का मौसम क्या है, वहाँ की फसलें क्या हो सकती हैं और वहाँ का एनवायरनमेंट जो है, इन ये सब ज्योग्राफिकल फीचर जो हैं जिन्होंने इंडिया के कल्चर को इन्फ्लुएंस किया, इन्होंने यहाँ के लोगों को उस तरह से डेवलप करने में हेल्प की. ओके, ये था आंसर इसका. सो यू गाइज राइट इट डाउन, पॉज द वीडियो वेयर आई एम टेलिंग यू द क्वेश्चंस. आप अपने वीडियो को पॉज करिएगा जहाँ पे मैं क्वेश्चंस के आंसर दे रहा हूँ, इनको अपनी कॉपी में एज अ होमवर्क नोट करिएगा एंड विल सी यू सून. थैंक यू.